गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कह रहे इंस्टीट्यूट क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, इस बार क्लास नाइन्थ राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक अप्लाई होने वाली है और उसी का एक हमने टॉपिक 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन स्टार्ट किया था, जिसमें हम 13.1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं, उनके बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 13.4 की। 13.4 टॉपिक का नेम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 13.4 जो यूनिट है वो गोले और अर्धगोले पर डिपेंडेड। तो देखो स्टूडेंट्स, गोला क्या होता है? गोला आप बॉल समझ लो। बॉल जो ठोस होती है वो गोला होती है, बॉल जो ठोस होती है वो गोला होती है। तो एक रफ डायग्राम कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, उसको देख लो आप। तो इस गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता या संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता, जो होता है एक ही पृष्ठ होता है, ठीक है ना। जैसे अभी हम दूसरे डायग्राम जो पढ़ के आए थे, जैसे गनगन आप पढ़ के आए थे, शंकु पढ़ के आए थे, तो उनमें हमें पता था कि एक वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया है और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पर केवल एक ही पृष्ठ होता है, तो गोले के यहाँ लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला जो होता है वो 4πr² होता है, 4πr², ठीक है। अब इसी तरह सपोज करो कि अगर मैं इसी गोले को यहाँ से बीच से काट दूँ, अगर आपके पास भी कोई बॉल है आप उसको काटो, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरीके से आधी कटी हुई बॉल इस तरीके की। इसे कहते हैं अर्धगोला। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोले में दो प्रकार के सरफेस होते हैं, एक होता है वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ये वाला पार्ट है, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय। तो इस वाले पार्ट में ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस ठोस होना चाहिए, ऊपर वाला फेस ये भी ऐड होता है। तो गोले में तो केवल एक ही पृष्ठ होता है, इसलिए उसका तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अर्धगोले में दो पृष्ठ होते हैं, तो हम कह सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? गोले को काटा ना, गोले का क्षेत्रफल का आधा कर दिया, तो इसका भी आधा ही कर दो, यानी कि 2πr², ठीक है। और उसी तरह वापस से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 3πr². क्या हुआ? 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर एक सर्किल और बन रहा है ये वाला, ये भी एक तरह का सर्किल ही है, तो ये सर्किल और ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? 3πr² सर्किल का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट करना है, वीडियो पॉज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं यूनिट 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या उसने दी हुई है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन केवल आपको ये बता देगा कि आपको इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। तो आंसर फर्स्ट देते हैं, आंसर फर्स्ट देखो, त्रिज्या यानी कि आर उसने हमें दी हुई है और हमसे क्या मांग रहा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला 4πr² 4πr² तो अब चेक करते हैं, 4 के प्लेस पर 4 आ गया, पाई के प्लेस पर 22/7 आ गया, और r चेक कर लो फर्स्ट में कितनी गिवन है, 10.5² ठीक है।
अब यहाँ से चेक करते हैं, 4 × 22 88 हो जाएगा, 88/7 × 10.5 का स्क्वायर 110.25, ठीक है। अब हम इसको 7 से कट कर देते हैं, 7 × 7 बच गया 4, 5 35.5 आ गया, 49 7 टाइम्स, फिर 3 आ गया 5, यानी हमारे पास आ गया 88 × 15.75। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाए 88 देन 0406 2 1 एंड 0062 1 देन 0068 3 1, यानी हमारा आंसर 1386.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइंट के बाद के 0 0 रिमूव कर सकते हैं, इसलिए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि फार्मूला कैसे प्रूव हुए हैं, मतलब फार्मूला कैसे अप्लाई हुए हैं, प्रूव नहीं, कैसे अप्लाई करना है। जब हमें रेडियस दी हुई है तो बहुत ईजी काम हो जाता है हमारा। जैसे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने हमें रेडियस यानी कि आर, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकंड की बात करूँ, आंसर नंबर सेकंड, तो उसमें आर जो है गिवन दे रखी है, आर इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, वही काम है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है बस इसको। 4 × π के प्लेस पर हो गया 22/7 × 5.6 इज होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, ये 4 × 22 फिर 88 हो जाएगा, 88/7 × 5.6 होल स्क्वायर, तो 5.6 होल स्क्वायर को हम 5.6 × 5.6 भी राइट डाउन कर सकते हैं, 7 से कट कर दो 0.8 टाइम्स, तो आपके पास हो गया 88 × 0.8 × 5.6। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 88 × 0.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 6 64 and 6 70, और 0.1 पर है तो ये 1 पर पॉइंट आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 से, ये हो गया 20, फिर 2 और 35, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 3, और पॉइंट पर 2 है तो ये 2, तो इसका आंसर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट नोट डाउन। तीसरा सवाल आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत आसान सा है, चलो कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं। यहाँ से चेक करो, थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें आर जो दे रखी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें जो आंसर थर्ड हम दे रहे हैं उसमें आर जो दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये तो और भी इजी है, सिर्फ आर के प्लेस पर रखना है 4 × 22/7 × r² यानी 14 स्क्वायर। अब इसको देखो, 4 × 22 88 88/7 × 14 स्क्वायर है, तो 14 × 14, अब 7 से कट कर दो, ये 2 जा, ये हो गया 88 × 14 × 2 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 88 28, फोर सिक्स फोर टू, ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोज टू नोट डाउन, पता लग गया होगा फार्मूला किस प्रकार से फार्मूला में वैल्यू को रखना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें अब यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास, त्रिज्या नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है, व्यास, और पूछ कह रहा है वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक काम बढ़ा के दिया है उसने, यहाँ पर अगर मैं आंसर फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले लिख दूंगा गिवन, यानी कि दिया गया है, क्या दिया गया है, डी, व्यास कितना 14 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। अब चेक करते हैं, मान क्या रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है 4πr² अब चेक करते हैं, देखो d दिया हुआ है और r जो होती है वो हमेशा d की आधी होती है, यानी त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। तो d बाई टू यानी कि 14/2 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, r आ गया मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। तो हमारे को ये एक ही काम उसने एक्स्ट्रा बढ़ाकर दिया है, बाकी सेम एज इट इज़ पुराना क्वेश्चन जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वैसा का वैसा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं 4 × π, पाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा 22/7, देखो जब तक पाई की वैल्यू नहीं दी गई हो तब तक क्या रखनी है 22/7 इंटू आर, आर कितनी हो गई 7 स्क्वायर। अब चेक करते हैं 4 × 22/7 इंटू 7 × 7 7 स्क्वायर, 7 × 7 राइट डाउन कर सकता हूँ तो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 7 से 7, अब आपके पास बच गया 4 × 22 तो 88 × 7। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 56 6 5 फिर 56 56 एंड 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करते हैं इसके आगे में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी बात करें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखो हमें क्या दिया हुआ है, व्यास कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम पहले r फाइंड कर लेंगे, r हो गया d बाई टू का मतलब हो गया 21/2 सेंटीमीटर, काफ़ी इतना ही रख लेते हैं। अब चेक करते हैं फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² तो 4 एज इट इज़ आ गया, पाई के प्लेस पर 22/7 आ गया इंटू r² के प्लेस पर 21/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको आगे, 4 × 22 88/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, 21/2 इंटू 21/2 भी राइट डाउन किया जा सकता है, तो 7 से 21 कट कर देते हैं 3 टाइम्स, फिर 2 से 88 कट कर देते हैं 44 टाइम्स, फिर 2 से 44 कट कर देते हैं 22 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बच गया 22 × 3 × 21, यही बचा हुआ है। अब 22 × 3 ये हो गया आपका 66 × 21, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 66 × 21 6 6 12 13 6 8 3 1 कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं नेक्स्ट थर्ड में, तो थर्ड में भी जो है हमें डी दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है उसको भी देख लो एक बार, डी आपको दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब r इक्वल्स टू हो गया d बाई टू, यानी कि 3.5/2 मीटर, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ से, d हमें कितना गिवन था 3.5 मीटर गिवन था, r कितनी हो गई, r हो गई d की हाफ यानी व्यास का आधा, तो 3.5/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं, 4 एज इट इज़ आ गया, 22/7 एज इट इज़ आ गया, और 3.5 का होल स्क्वायर आ गया बाय 2 भी, क्योंकि त्रिज्या पर बाय 2 भी लग रहा है। अब यहाँ से चेक करते हैं, 4 का 4 हो गया, 22/7 का 22/7 हो गया, 3.5 का हो गया 12.25, 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 12.25 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बच गया 22 × 12.25 / 7, ठीक है। तो आप पहले तो डिवाइड कर लो, या आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, 1225 × 22 ये हो गया 10542, फिर हो गया 0 5 4 and 2, ठीक, 0 5 9 6 and
और अब हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 3 21 कितना बचा, 5 आ गया, 9 7 8 56 कितना बच गया, 3 आ गया, 5 7 5 पॉइंट लग ही गया, 5 आ ही गया, तो 7 5 35 एंड 0 0 यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपका कितना, 38.50 meter square या 38.5 meter square भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 लेना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर देखो गिवन सबसे पहले अर्धगोले की, देखो यहां गोला नहीं है, क्या है, अर्धगोला, ये वाली चीज है, ये नहीं है। अर्धगोले की त्रिज्या को हम R लिखते हैं, कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में पाई इक्वल्स टू 3.14 भी गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमसे उसने मांगा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कौन सा मांगा है, कुल मांगा है, वक्र नहीं मांगा है, कुल मांगा है। कुल का मतलब संपूर्ण हो गया, और संपूर्ण के लिए फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब चेक करते हैं वैल्यूज़ रखने के लिए, 3 इंटू पाई के प्लेस पर 3.14 इंटू आर स्क्वायर के प्लेस पर 10 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 इंटू 3.14 क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, और पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स थी, तो नीचे 2 जीरोज आ जाएंगे। इनटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया, 3 इंटू 3.14, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12 1 4 3 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सिंपल वे आंसर, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोज टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हुआ क्या, एक्चुअल में एक गुब्बारा था पहले, मान लो कि इसकी रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी, और फिर उसने हवा भरकर उसे बड़ा कर दिया, यानी इस कंडीशन पर ले आए, और इसकी रेडियस जो थी वो कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, डबल होगी, ठीक है। तो हम इन रेडियस में डिफरेंस करने के लिए R1 और R2 नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, उसने हमें कहा हमें ज्ञात करना है अनुपात, क्या ज्ञात करना है, अनुपात किसका, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों स्थितियों में। तो दो स्थितियाँ कौन सी थी, एक तो तब जब वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, और एक तब जब वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आया, किसके, क्षेत्रफल का डिफरेंस आया, और उस डिफरेंस का भी हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर क्या किया, दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रख लिया, अनुपात को अपॉन में रखा जाता है। तो यहाँ से चेक करो, या फिर हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट करने के लिए बोलता हूँ कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो मांग रहा हूँ अपॉन में। तो अब चेक कर, देखो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr, यहाँ r 1 है तो 1 स्क्वायर, क्यों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को r 1 का है तो r 1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर, यहाँ r 2 दे रखा है नहीं। अब यहाँ से चेक करता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये इक्वल वैल्यू है, तो हमारे पास में बचता है r 1 अपॉन r 2, यहाँ भी स्क्वायर हो यहाँ भी स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं r 1 अपॉन r 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है ना, दोनों के पास स्क्वायर है r 2, देखो r 1 के पास भी स्क्वायर है, r 2 के पास भी स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब r 1 की बात करते हैं तो r 1 है 7, r 2 है 14 एंड ये हो गया उसका होल स्क्वायर। 7 1 7, 7 2 14, हम इसको कैंसिल आउट करके 1/2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, तो हमारा जो अनुपात आ रहा है, हमारा अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 1:4, यानी इनका अनुपात होगा 1:4। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है क्लास 9th यूनिट 13.4, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई जो होती है एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है पीतल के बर्तन को अंदर की तरफ से सिल्वर कर दिया जाता है, तो हम उसको एक तरह से पेंट समझ लेते हैं कि हम उसको पेंट कर रहे हैं। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक अर्धगोलाकार कटोरा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। अब कटोरा है तो ये वाला पृष्ठ तो हो ही नहीं सकता, खोखला होता है कटोरा तो, ठीक है ना। तो हमें गिवन जो है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, गिवन में उसने हमें दिया हुआ है डी, डी यानी कि 10.5, और देखो सिर्फ आंतरिक पृष्ठ की ही बात कर रहा है और आंतरिक पृष्ठ का ही व्यास दे रखा है, तो हमें आंतरिक बाह्य नहीं समझना यहाँ पे, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ समझेंगे कि हमारे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, और हमें कहाँ पेंट करना है, इसके वृक पृष्ठ पर इसका पेंट करना है, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर वाला होता तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता, लेकिन ऊपर नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, वृक पृष्ठ हो जाएगा। अब डी दिया हुआ है, डी यानी कि व्यास होता है, हमें चाहिए कि त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास की आधी यानी कि 10.5/2, और इजी कर लेता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ तो 105/2 × 10 हो जाएगा, पॉइंट हट गया ना, ठीक है। अब ये हो गया आपका 105 × 2 × 10 = 20, और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 21/4 सेंटीमीटर। अब हमें पेंट कहाँ करना है, वृक पृष्ठ पर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धगोले का, अर्धगोले के वृक पृष्ठीय, अर्धगोले का वृक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है ना। तो 2 का तो 2 आ गया, पाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा 22/7, r के प्लेस पर क्या आ जाएगा 21/4 का होल स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन ये 2 × 22 हो गया 44/7 × 21/4 × 21/4, राइट डाउन कर सकते हैं 21/4 का होल स्क्वायर, तो 21/4 × 21/4। अब यहाँ पर 7 × 21 कैंसिल आउट हो गया 3 times, और 4 × 44 कैंसिल आउट हो गया कितना 11 times, क्या बच रहा है 11 × 21 × 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 × 21 और 3 को तो 3 and 6 = 63/4, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 = 66 and 69/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे इस अर्धगोले का जो वृक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आया है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बात करनी है प्राइस की, उसने हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमसे उससे क्या पूछा है, व्यय ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो हम बात करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय, का व्यय कितना है, वो है 16 रुपये, ठीक है। तो पहले हम एक के लिए फाइंड कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई
करने का व्यय, वो कितना हो जाएगा? 16/100 रुपये हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसके आगे हमारे पास में हमारे लिए कितना प्रोसेस है। तो हमारे लिए है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय, कलई करने का व्यय, कलई करने का व्यय। तो वो हो जाएगा 693/4 इंटू प्राइस क्या है, 16/100। तो सबसे पहले तो 4 to 16 कैंसिल आउट करो, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बच गया, 693 into 4/100। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 कैरी 1 63 36 और 1 कैरी 37 कैरी 3 और 24 and 3 27 और बाय कितना आ गया 100। तो ये कितना हो जाएगा 27/72 रुपीस हो गया ना। 2 zeros रिमूव करो तो ऊपर 2 digits के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये हमारा व्यय आ गया, कितना आ गया 27.72 रुपीस। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको गिवन में दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो वो होता है 4πr² और मेजरमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बच रहा है 4πr² इक्वल्स टू 154। ठीक है, अब चेक करते हैं 4 के प्लेस पर 4 आ गया, पाई के प्लेस पर 22/7 आ गया, आर के प्लेस पर आर ही है क्योंकि वो हमें फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 154। और अब आर स्क्वायर फाइंड करनी है तो 154, सबसे पहले 4 को उधर भेजूंगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और फिर 22/7 का 7/22 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया डिवाइड। अब यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले 11 से कट करते हैं तो ये 2 टाइम्स और ये 1 and 4 times 14, फिर 2 से कट करते हैं ये 7 times, हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 into 7/4 या 49/4। ठीक है, अब आर से स्क्वायर को रिमूव करते हैं, यानी बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आर स्क्वायर का तो आर हो जाएगा और इधर हो जाएगा अंडर रूट 49/4। देखो वैसे रूट प्लस माइनस में आता है लेकिन यहाँ पर हम बात करें रेडियस की, रेडियस जो होता है वो क्या होती है, साइड होती है, भुजा होती है, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो वैसे रूट जो है वो प्लस माइनस दोनों मार्क्स में आता है लेकिन हम यहाँ माइनस मार्क को यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें पता है साइड कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो देखो 47 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब 2 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चंद्रमा यानी हो गया मून का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले माना चंद्रमा का व्यास, इसको हम D1 नेम दे देते हैं, इक्वल्स टू 2x। चंद्रमा का व्यास इक्वल्स टू 2x, 2x यू सपोज किया क्योंकि व्यास की बात कर रहा है और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो उसमें हमें किसका काम पड़ेगा, त्रिज्या का। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आती, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूंगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं चंद्रमा की त्रिज्या,
चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी डी वन बाई टू, यानी कि 2x/2 यानी कि x हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी का व्यास चंद्रमा, चंद्रमा के व्यास का, चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। कैसे पता किया? ये देखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी अगर पृथ्वी का व्यास 4 मान लूँ तो चंद्रमा का व्यास 1 होना चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1 होना चाहिए। अब यहाँ से चेक करते हैं तो हम कह सकते हैं पृथ्वी, कैसे लिखते हैं, पृथ्वी का व्यास जो हो जाएगा चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है, तो 4 × चंद्रमा का व्यास कितना, 2x, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब अगर मैं निकालूं पृथ्वी की त्रिज्या, अच्छा पृथ्वी के व्यास को हम d2 नेम दे देते हैं, d2, तो त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई d2/2 यानी कि 8x/2, 8x है ना, d2 की वैल्यू 8x, 8x/2 यानी कितनी हो गई, 4x। अब यहाँ तक करने के बाद में इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब हम कहेंगे कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चंद्रमा भी गोलाकार होता है और पृथ्वी भी गोलाकार, वैसे तो अंडाकार होती है लेकिन फिलहाल यहाँ पर गोलाकार ही मानेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 4πr² इसके लिए भी लगाएंगे 4πr². अब इसमें डिफरेंस कर देंगे ये r1 और r2, ठीक है ना भाई, d1 और d2 व्यास में डिफरेंस था तो त्रिज्या में भी r1 और r2 डिफरेंस कर दिया था कि हमें पता रहेगा r1 जो है वो चंद्रमा की है और r2 जो है वो पृथ्वी की। अब यहाँ से आकर चेक करो, 4 to 4 कैंसिल आउट, π to π कैंसिल आउट, ये सेम वैल्यूज हैं, हमारे पास बच गया r1² / r2². अब r1 की वैल्यू को अगर मैं चेक करूँ तो r1 की वैल्यू है x, तो ये हो गया x², ये रही ना चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है x, और r2 की, r2 हो गई 4x, तो ये होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होता है x² और 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x² हो गया। अब यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 16, तो अनुपात जो हमें प्राप्त हुआ, अनुपात प्राप्त हुआ 1:16। ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है, कुछ नहीं कर रखा। देखो यहाँ पर एक कटोरा है, सपोज दैट इस तरह का, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, और ये वो स्टील है जिससे ये बना हुआ है, तो कटोरा कुछ इसी तरह का होता है। अब बात करते हैं ये जो हो गई, ये क्या हो गई, कटोरे की चौड़ाई हो गई। अब ये चौड़ाई कितनी है, जितनी स्टील की चौड़ाई होगी उतनी ही इस कटोरे की भी चौड़ाई होगी, होगी ना। तो चेक करते हैं इसने हमें दिया क्या है। गिवन की बात करें,
तो गिवन में उसने ये कहा कि स्टील कहाँ गया, स्टील, स्टील की मोटाई या चौड़ाई जो भी है, मोटाई कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी के बाद में इसने आंतरिक त्रिज्या दी है, ये हो गया आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाला एरिया ही कवर कर रही है, बाहर नहीं आ रही, केवल कहाँ तक, अंदर वाली तक ही आ रही। तो आंतरिक त्रिज्या जो उसने हमें दी वो दी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे मांगा क्या, मांगा है बाहरी वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक नहीं मांगा, कौन सा मांगा है, बाहरी मांगा। तो पहले वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम आराम से ज्ञात कर लेंगे, 2πr² उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी आर चाहिएगी, यानी कि अगर हम ये कहें बाहरी त्रिज्या, आंतरिक तो उसने दे रखी है लेकिन आंतरिक का क्षेत्र नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है, बाहर वाले का पूछ रहा है, अंदर वाले का नहीं, बाहर वाले का पूछ रहा है, तो बाहर वाले की त्रिज्या चाहिएगी। तो उसके लिए क्या होगा, 5 + 0.25 होगा, क्यों होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5 थी, यहाँ से यहाँ तक 5 थी, तो ये स्टील की मोटाई बाकी रह गई ना, ये मोटाई भी तो आएगी, ऐड होगी ना यहाँ तक बाहर तक आने के लिए, तो ये 0.25 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब 5.25 को और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 5.25 क्या रिमूव किया, पॉइंट रिमूव किया, तो क्या आ जाएगा 100। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं या 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 × 50 फिर 121, और ये 25 × 4 = 21/4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ कटोरे का वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और कटोरे के वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr² होता है। यहाँ r कौन सी है, बाहरी है, तो यहाँ पर 2 × π के प्लेस पर 22/7 × r के प्लेस पर 21/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, 2 × 22 हो गया आपका 44 × 21 × 21/7 × 4 × 4, क्या किया, 21/4 होल स्क्वायर है, 21/4 दो टाइम लिख दिया। अब 7 से पहले तो 21 कैंसिल आउट कर दो, 3 times, 4 × 1 = 4, 4 × 11 = 44, तो हमारे पास में अब बच रहा है 11 × 21 × 3 और अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 3 = 33, 33 × 21 / 4। अब चेक करते हैं, 33 × 21 = 21, 3 = 63, 63 × 3 = 6, 21 × 3 = 63 and 6 = 69, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइडेड बाय क्या है 4, तो 4 × 1 = 4, कितना बचा 2 आया, कितना 9, 7 × 4 = 28, कितना बचा 1, उतरा कितना 3, 4 × 3 = 12, कितना बचा 1, अब नहीं है तो पॉइंट, पॉइंट के बाद आ गया 0, तो 7 × 4 = 8, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। और फिर चलते हैं, पॉइंट लग रहा है 0 आ गया, तो 4 × 5 = 20, ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास में इस कैलकुलेशन का आंसर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का डिफरेंस दे रखा था, इसलिए उसे ऐड करके बाह्य त्रिज्या फाइंड की है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, ज्ञात कीजिए पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है बेलन का वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पर एक बेलन है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, ये इस तरह एक बेलन है, और इस पर अंदर एक ऐसे गोला पड़ा,
क्लियर वे नहीं दिख रहा है तो ऐसे सपोज कर लेते हैं। तो ये गोला जो है वो इस बेलन की हाइट के बराबर है और इधर से इसकी विड्थ के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से घेरा हुआ, संपूर्ण घेरा हुआ, पूर्णतः घेरा हुआ, देखो लिखा हुआ पूर्णतः घेरा हुआ है, यानी उनकी हाइट्स बराबर है, उनकी विड्थ बराबर है, ठीक है ना। अब उसकी त्रिज्या देखो, गिवन में सबसे पहले हम कहेंगे बेलन की त्रिज्या साहब हमें दी हुई है आर, आर ही दी हुई ना, त्रिज्या आर वाले एक गोले को संपूर्ण आर दी हुई, तो हम आर ही रखेंगे, ठीक है। और फिर हम कह देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या वो भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पूर्णतः घेरा हुआ है, जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी चौड़ाई गोले की भी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने गोले की त्रिज्या निकाली। अब गोले की त्रिज्या निकालने के बाद में हम आंसर देना शुरू करते हैं। फर्स्ट में वो मांग रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मांग रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² देखो r की कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे यही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड में वो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr h। अब यहाँ पर चेक, H जो है गोले की, अगर मैं ये सेंटर पॉइंट गोले का ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक गोला एक्स्ट्रा बनाता हूँ, ये गोला एक्स्ट्रा बनाया और यहाँ पर ये गोला है, ये इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास होगा कि नहीं होगा, गोले का व्यास हो गया। अब ये बेलन इसे पूर्ण तरह से घेरा हुआ है, घेरा हुआ है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊँचाई भी त्रिज्या के, ऊँचाई भी जो है वो d के बराबर, d यानी कि 2r के बराबर, ऊंचाई भी त्रिज्या यानी कि ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर, और व्यास जो होता है वो 2r होता है, तो हम इस h के प्लेस पर 2πr h के प्लेस पर 2r रख देते हैं, ठीक है। 2r रख दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2πr इंटू आर तो हो जाएगा r स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया 4πr² मिल गया, 4πr² अब चेक करते हैं तीसरे का, तो हमारे पास r की वैल्यू नहीं है तो हम वहीं छोड़ेंगे उसको। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में क्या हुआ, तीसरे में उसने हमसे पूछा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात पूछा है ना, तो हमने दोनों का अनुपात लगा दिया, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है 4πr² और हमारे पास जो बेलन आ रहा है उसका आ रहा है 4πr² देखो ऊपर एक और दो में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एक में कौन सा प्राप्त हुआ ये हुआ, दो में कौन सा प्राप्त हुआ ये हुआ, और इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 to 4, π to π r² क्योंकि ये तो इक्वल है, तो अनुपात जो हमें प्राप्त हुआ वो अनुपात प्राप्त हुआ 1:1। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पोज टू नोट डाउन।